इंटरमीडिएट होस्ट और प्राइमरी होस्ट को कौन से लार्वल स्टेजेस पे इन्फेक्ट करता है ठीक है तो अगर हम फैशल हेपेटिका की बात करते हैं तो इसके दो होस्ट होते हैं ठीक है फर्स्ट होता है इसका इंटरमीडिएट होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट जो कि होता है स्नेल ठीक है और सेकंड इसका होता है प्राइमरी होस्ट प्राइमरी होस्ट जो कि होता है शीप इंटरमीडिएट होस्ट को सेकेंडरी होस्ट भी बोलते हैं ठीक है थीके? तो क्या होता है जो मेरा सीडियम होता है ये मेरा सीडियम ठीक है मेरा सीडियम जो है वो एक्चुअली में क्या है एक लार्वल स्टेज है लीवर फ्लूक की लार्वल स्टेज ऑफ लीवर फ्लूक ठीक है और स्पेसिफिकली बात करें तो ये फर्स्ट लार्वल स्टेज है लीवर फ्लूक की ठीक है और इस टाइम जो लीवर फ्लूक है वो किसकी बॉडी में है वो है स्नेल की बॉडी में यानी इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी में तो पहले क्या होता है ये जो मेरा सीजम है जो कि फर्स्ट लार्वल स्टेज है लीवर फ्लूक की ये क्या करता है एग से हैच होता है एग से हैच होता है फाइन और जो एग्स हैं ये कहाँ से आते हैं ये आते हैं फीसी से जो कि किसके द्वारा एक्सक्रीट कर दी गई है जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है हम यहाँ पे डायरेक्टली स्नेल लिख देंगे ठीक है तो हमने देखा यहाँ पे कि जो स्नेल है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वो मीरा सीडियम को जो कि फर्स्ट लार्वा स्टेज होता है उसको अपने एक्स आ, अपने एक्सक्रीटा के थ्रू अपने फीसीस के थ्रू बाहर निकालता है और ये फीसीस में से निकले हुए जो ये लार्वा होते हैं ये क्या करते हैं ये स्विम करते हैं ऐसी लोकेशन जहां पे इनको जो है शीप जो है वो कंज्यूम कर सके ठीक है यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये स्विम करते हैं टूवर्ड्स दूसरा सेकेंडरी होस्ट या फिर प्राइमरी होस्ट ठीक है यानी आसपास में अगर वाटर बॉडी हुई अगर किसी अगेन स्नेल ने इसको कंज्यूम किया तो वो सेकेंडरी होस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा और अगर फोलियज हुआ आस पास और शीप ने कंज्यूम किया तो ये आ जाएगा प्राइमरी होस्ट की कैटेगरी में ठीक है और क्या होता है एक बार जब ये लार्वा एंटर कर लेता है शीप की बॉडी को तो ये डेवलप होके बना लेता है मेटा सर्करिया अभी मेटा सर्केरिया कैसे फॉर्म होता है हम बात करेंगे अभी ठीक है पहले क्या होता है जो सर्केरिया लार्वा होता है सरकेरिया लार्वा होता है लिवर फ्लू का जो कि क्या करता है अपने अराउंड एक सिस्ट डेवलप कर लेता है एक सिस्ट जो है फॉर्म कर लेता है और ये फिर कहलाता है मेटा सरकेरिया यानी जब सर्केरिया लार्वा अपने अराउंड सिस्ट फॉर्म कर लेता है तो उसको बोलते हैं सरकेरिया लार्वा और ये जो सरकेरिया लार्वा है ये अग्न कहाँ या तो डेवलप होता है शीप के अंदर ठीक है और अगर ये एक्सक्रीट कर दिया जाता है तो अगेन ये किसके पास जाता है सेकेंडरी होस्ट तो इस तरीके से इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैरी ऑन रहती है तो यहाँ पर हमने दो स्टेजेस देखी लिवर फ्लू के लार्वर स्टेजेस की जो कि कौन सी थी फर्स्ट थी मीरासीडियम एंड सेकेंड वॉज मेटासर्या ठीक है तो हमारा आंसर क्या होगा हम देखते हैं ऑप्शन वन है हमारा मीरा सीडियम एंड मेटा सर्केरिया ये हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि हमने देखा कि जो मीरा सीडियम है मीरा सीडियम मीरा सीडियम जो है वो इन्फेक्ट करेगी अगेन किसे अभी ये कौन से होस्ट में है ये है स्नेल में तो ये किसको इन्फेक्ट करेगी इसके प्राइमरी होस्ट को ठीक तो है? है और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेटा सर्केरिया की तो मेटा सर्केरिया अभी किसके अंदर है शिप के अंदर है और ये अब इन्फेक्ट करेगी सेकेंडरी होस्ट यानी स्नेल को ठीक है तुम्हारा तो आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन वन बाकी के ऑप्शन मेटा सर्केरिया सर्केरिया गलत है बिकॉज हमने देखा सर्केरिया की जब अराउंड सिस्ट फॉर्म होती है तो उसको बोलते हैं मेटा सर्केरिया तो ये गलत है नेक्स्ट है सर्केरिया एंड रेडिया ये ऑप्शन गलत है रेडिया जो है वो इन्फेक्टेड स्टेज नहीं है ऑप्शन फोर है रेडिया एंड मेरा सीरियम तो ये भी ऑप्शन गलत है बिकॉज अगेन इसमें रेडिया जो है वो इन्फेक्टेड स्टेज नहीं है तो हमारा आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वन मेरा सीरियम एंड मेटा सर्केरिया क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर